एमपी में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। छिंदवाड़ा के मैनीखापा के पास निजी कंपनी ट्रैवल्स की बस पलट गई। ये बस बालाघाट से इंदौर जा रही थी। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बस पलटने के बाद यात्री फंस गए थे और घायलों को खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। सभी को छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटी थी, जिससे ये हादसा हो गया। हमने पुलिस अधिकारी से बात की, आप भी सुनिए। ये एक्सीडेंट लावापुर थाने के अंतर्गत मैनीखापा गांव में हुआ है। वहां पर बस नाले में पलट गई है, जिसमें 27 लोग घायल थे और दो लोग मृत हुए अवस्था में आए। दो लोगों के नाम है नंदनी फैजल खान, उम्र 22 साल, भोपाल। दूसरे का रूपाली, वाइफ आप आशीष ससाटी, उम्र 37 साल, बालाघाट की। इलाज चल रहा है, जिसमें से एक नागपुर रेफर भी हो चुका है। वहीं हादसे के वक्त बस में मौजूद एक यात्री ने हमें बताया कि गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और हादसा देर रात 11:30 बजे हुआ। आप भी सुनिए। तो ये हादसा 11:45 लगभग अंदाज उस समय हुआ है। मैनीखापा के पास नदी के पुल से स्पीड में रफ्तार में चला रहा था गाड़ी, और उस समय 20 फीट गहराई में गिरी। उस समय जैसे अंदर में थे, पूरी लाइटिंग बंद हो गई बस की, अंधेरा था। मोबाइल के प्रकाश से कांच फोड़ के एक एक करके जो कम जिसको कम लगा हुआ था, उनने एक दूसरे की मदद से सबको निकाले वहाँ से। कितने लोग रहेंगे? 40 से 45 लोग थे करीब बस के अंदर में। इस हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बालाघाट से इंदौर जा रही एक यात्री बस के छिंदवाड़ा के मैनीखापा के पास दुर्घटनाग्रस्त होने और इसमें 3 यात्रियों की मृत्यु और कई यात्रियों के घायल होने की दुखद जानकारी मिली। मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में सरकार से मदद की मांग की और लिखा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों की हर संभव मदद की जाए और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। बहरहाल दो महिलाओं की मौत बताई गई है, लेकिन बस की हालत बता रही है कि हादसा कितना गंभीर था और सीधी जैसा एक बेहद बड़ा हादसा होने से बच गया। सरकार को अभी भी इन प्राइवेट बसों के लिए कुछ कड़े नियम बनाने की जरूरत है, जिसमें बस की स्पीड ओवरलोडिंग को रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।